फ्रेंड आज की बात करेंगे स्पार्क पेट्रोल के बारे में, किसमें क्या दिक्कत है। गाड़ी हमारे पास आई है और उसके अंदर एक तरह के अंदर टाइमिंग बेल्ट टूट चुका है और कस्टमर ने कम आगे भी चालू करने की कोशिश की है और क्या है हम खोल के बताएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें टाइमिंग बेल्ट है और सब खोलने का है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या क्या इसमें दिक्कत है, क्या नहीं हुआ। इसका रनिंग में टाइमिंग बेल्ट टूट गया है और शायद इसके वाल भी बेंड हो सकते हैं। तो हम पहले टाइमिंग बेल्ट चेंज करके देखेंगे, फिर ऐसा लगेगा तो इसका हेड खोलेंगे। आप देख सकते फ्रेंड कि इसमें बेल्ट कितना लूज हो गया है, देखो कितना लूज हो गया है। ये लूज होने का कारण है कि इसका जो टाइमिंग बेयरिंग आती है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। हम बताएंगे किस तरह से टूटी है, क्या हुआ। बेल्ट तो दांतिया बांधिया सब पूरी अक्की है इसकी। और हम इसका टाइमिंग बेल्ट भी चेंज करके देख लेंगे और ऑयल सील। आप देख सकते फ्रेंड, देख ये बेयरिंग के अंदर ये बेयरिंग है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखो पूरी टूट गई है। बेल्ट भी निकल गया और चक्कर भी। सस्पेंशन का आएगा और देख सकते फिर ये बेयरिंग है और बेयरिंग का एक पीस अंदर है, एक बाहर आ गया गाला। आज की बात करेंगे शेवरलेट स्पार्क के टाइमिंग के बारे में, किस तरह इसका टाइमिंग आता है। आप देख सकते हैं ये एरो है और इसका की बात करेंगे शेवरलेट स्पार्क के टाइमिंग के बारे में, किसका इसका टाइमिंग किस तरह से आ जाए। ऊपर के हिसाब से शुरुआत करते हैं। जो ये डोट है और इसका ये वाला डोट एग्जैक्ट इसके सामने रखना है तो ऊपर का केम साहब का टाइमिंग हो जाएगा। और किरण की बात करें तो किरण का टाइमिंग है जो आप देख रहे हैं ये डॉट और सामने एक मार्क है इस तरीके से, ये वाला मार्क, ये देखते हैं ये मार्क के सामने एग्जैक्ट रखना है, इसके हिसाब से आपका टाइमिंग हो जाएगा। हमने स्पार्क का जो टाइमिंग बेल्ट वो टाइमिंग बेयरिंग भी चेंज कर डाली और बेल्ट भी चेंज कर डाला और इसमें चालू करके देखते हैं कि इसमें वाल बेंड हुए कि नहीं हुए। हम अभी गाड़ी को चालू करेंगे। आज के वाल छोड़ गए हैं और वाल बेंड हो गए, बेल्ट डालने भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब इसका हम हेड खोलेंगे और हमने इसका टाइमिंग बेल्ट और बेयरिंग डाली तो अभी कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसके लिए इसके वाल बेंड हो गए हैं और इसका हमने हेड खोल डाला है और साइलेंसर वगैरह और वायरिंग और सब पूरा निकाल डाला। हम थोड़ी देर में हेड को बाहर निकाल लेंगे और बता दे क्या हुआ है। वाल सब बेंड हो चुके हैं इसके सारे के सारे। इसकी जैसा है वाल की सब खुल चुके हैं, सब वाल बैंड हो गए और यहाँ भी लाइनिंग पड़ गई है और यहाँ से हो गए।
शेरवुड स्पार्क का हमने हेड तो बना दिया और इसमें जो इंग्लैंड के जितने भी वाल थे ना आप देख सकते फ्रेंड, ये चारों चार वाल कितने सारे चारों चार ने बैंड हो गए ये, और हमने हेड भी बना दिया और इसका टूटने का बैंड होने का कारण ये भी था कि जो टाइमिंग बेयरिंग आती है वो बेयरिंग टूट गई थी, उसके हिसाब से टाइमिंग रॉन्ग हो गया, इसके हिसाब से सेल मार मार के सारे चार वाल बैंड हो गए थे। हमने हेड लेट काम करवा दिया है और हेड भी बनवा दिया है, अब इसको हम थोड़ी देर के बाद अंदर हेड में फिट कर डालेंगे और चालू करेंगे। इसका हेड कंप्लीट कर दिया और टाइमिंग वगैरह सब फिटिंग कर दिया और पाइप, पानी की पाइप, गेज, कोयल, प्लग भी नए डाल दिए और सारा का सारा फिटिंग कर दिया है नीचे भी। इसके बाद हम इसको चालू करेंगे, इसका काम करवा लिया और सेल मारो गाड़ी का, हम सेल मारते हैं, हम गाड़ी चालू करते हैं। देख सकते हैं एक आधे सेल में गाड़ी चालू हो गई और इसके अंदर वाल बैठ होने के कारण इसका जो टाइमिंग, ये सब मैंने टाइमिंग बेयरिंग टूटने के कारण सब हुआ था। टाइम सर कस्टमर बेयरिंग नहीं डलवा रहा था और टाइमिंग का काम नहीं करवा रहा कस्टमर, इसके हिसाब से बेल टूट गया, इसके हिसाब से वाल वगैरह बेंड हो गया, लंबा खर्चा गया, छोटे में नहीं हुआ तो बड़ा खर्चा आ गया हेड का।